गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग पीएचपी की क्लास के अंतर्गत एक कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं जो कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने उसको स्टार्ट किया था, पीएचपी अरेज। तो हमने उसके दो कंसेप्चुअल पार्ट्स देखे थे, जिसमें पहला न्यूमेरिक अरेज के दोनों टाइप्स, फर्स्ट वे एंड सेकंड वे। आज हम लोग उसी के आगे एसोसिएटिव अरे को देखेंगे। ये हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे, थ्री टाइप्स की अरे होती है, इंडेक्स अरे, एसोसिएटिव अरे और मल्टी डायमेंशनल अरे। तो अब हम देखेंगे इंडेक्स अरे। इंडेक्स अरे में हम लोग लास्ट क्लास में देखा था, इसके दोनों वे देखे थे, फर्स्ट वे और सेकंड वे किस तरह से यूज कर होती है। और आज हम लोग देख रहे हैं एसोसिएटिव अरे। एसोसिएटिव अरे जो है हम लोगों की associative array, an array where each key has its own specific value। ये एक ऐसी array होती है जिसमें जो उसकी key होती है वो अपने आप की एक value होती है। क्योंकि इसको ID के रूप में store करते हैं, PHP allow you to associate name label with each array elements using these symbols. Such way you can easily remember the element because each element is represented by the label than an incremented numbers। मतलब इसके प्रत्येक जो भी वैल्यू इसमें स्टोर होती है उसको एक आईडी के थ्रू, तो प्रत्येक की वो आईडी एसोसिएट होती है और वो आईडी के थ्रू एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जिसे हम लोग की के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इसकी वैल्यू असाइन होती है और उसको की के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। देयर आर टू वे, जैसे कि हम लोगों ने कल की अरे देखा था उसको दो तरीके से, उसी तरह से इसे भी दो तरीके से हम लोग डिफाइन करते हैं। फर्स्ट वे है हमारा, ये वेरिएबल नेम हो गया, अरे फंक्शन हो गया, और ये नेम हो गया और ये उसकी वैल्यू हो गई। ये की हो गई, ये उसकी वैल्यू हो गई। ठीक है, की और वैल्यू, की और वैल्यू, इस तरह से हम इसे एसोसिएट करते हैं। सेकंड वे है इसका, ये वेरिएबल हो गया, की हो गई, उसकी वैल्यू हो गई, अगेन की हो गई और उसकी वैल्यू हो गई। तो ये यूनिक की होती है, इनके द्वारा हम एक दूसरे को एसोसिएट करते हैं, इसलिए हम लोग इसको एसोसिएटिव अरे के नाम से जानते हैं। ठीक है, आइए इसका एग्जांपल देखते हैं। एक नई फाइल
सॉरी एसोसिएटिव अरे एग्जाम्पल AWS एसोसिएटिव अरे ठीक है। तो फर्स्ट पे इसका हम लोग देख रहे हैं कैसे इसको करेंगे। तो सपोज दैट इसमें हमने क्या किया, ये मान लीजिए यहां कलर दिया हुआ है सैलरी कर देते हैं ठीक है, सैलरी और अरे फंक्शन रहेगा ही रहेगा मान लीजिए। और यहां पर हम पहले वो वैल्यू देते हैं, तो सबसे पहले मान लीजिए हमने एक वैल्यू दिया अनिल करके ठीक है, ये दिख रहा है ना आपको? नहीं सर नहीं दिख रहा है, नहीं अभी जी सर दिखने लगे ठीक है। अब इसकी हम वैल्यू देंगे, तो ये वैल्यू मान लीजिए हम दे देते हैं 54,000 सपोज दैट ठीक है। तो ये हो गई। अब इसके बाद इसी तरह से दूसरा हम यहां पर प्रोवाइड करते हैं, मान लीजिए हमने दे दिया ऋषभ ठीक है, और इसको भी की वैल्यू इसी तरह से प्रोवाइड कर दिया। और इसकी जो वैल्यू हमने दे दिया सपोज दैट ये 25,000 ठीक है। कितने बस हम दे रहे हैं, दो ही दे रहे हैं, ज्यादा नहीं दे रहे इसको ओके। ये दोनों हो गए यहां पर। अब हमें क्या करना है, इनको प्रिंट कराना है। तो प्रिंट कराने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहां पर जो भी वैल्यू दी हुई है सपोज दैट अनिल मान लीजिए और दूसरी मान लीजिए दी हुई ऋषभ, ओके। अब इसको हम लोग यहां पर शिफ्ट कर देते हैं एसोसिएटिव सर्वर ऑन करते हैं। हेलो
मैं सर्वर ऑन कर रहा हूँ, थोड़ा सा सर्वर ऑन करने में टाइम लग रहा है, ठीक है। ये सर्वर रन हो गया है, ये प्रोग्राम को हम लोग लेकर उस पे कॉपी किए दे रहे हैं। सी ड्राइव में जैम्प के अंदर एसटीडीओसी और पीएचपी प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। आप स्क्रीन नहीं दिख रही? सर स्क्रीन नहीं दिख रही। नहीं यार, ओके ओके। अभी जी सर, अब यहां पर हम लोग सबसे पहले सर्वर चेक कर लें, लोकल होस्ट। सर्वर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम माय प्रोग्राम एसोसिएटिव अरे डॉट पीएचपी, ये कोड वाली लिस्ट दिख रही है आपको? नहीं सर। नहीं दिख रहा? नहीं। अभी दिख रहा है? जी सर, जी सर। इको अनिल सैलरी डॉट डॉलर सैलरी जो भी है यहाँ पर अनिल और ये क्लोज बीआर। सब सैलरी सैलरी और विषय ठीक है। बस हम दो ही अभी प्रिंट करा रहे हैं। इको क्या प्रॉब्लम कर रहा है? इको कोई प्रॉब्लम समझ में आ रही क्या? देखो जरा,
CHO, ठीक है ये तो सैलरी जी सर, ये डबल कोट सर ज्यादा है किस पे जो सर फर्स्ट इको लाइन पे पहले वाली इको में के बाद पहले वाली इको में जी सर क्या है पहले वाली इको में डबल कोट सर एक ज्यादा है ये लास्ट वाला पे बी आर के पहले ब्रेक के पहले तो बी आर के पहले हाँ जी सर ये जी सर ऐसा ये हो एक तो इसका हो गया जी दूसरा हो गया आपका इसका हो गया और एक ये यहां लगेगा जी एक्स्ट्रा नहीं है ठीक है जी सर सेव एज सी ड्राइव जैम एच टी डी ओ सी एच पी प्रोग्राम एस एस यू टीम अरे स्क्रीन दिख रही है जी दिख रही है क्या दिख रहा है जी सर सैलरी दिख रही है ना तो ये इसका फर्स्ट बे था अब इसी को हम लोग सेकंड बे में यूज करते हैं ठीक है दूसरे तरीके से तो ये तो फंक्शन के थ्रू था अब हम डायरेक्टली क्या कर रहे हैं जैसे कल इंडेक्स के थ्रू डाला था ना तो इंडेक्स के थ्रू अब मैं दे रहा हूं यहां पर तो ये सब सैलरी और ये यहां से बंद इक्वल स्क्रीन सर स्क्रीन नहीं दिख रही एक मिनट जी सर अभी जी दिखने लगी सर ठीक लगी ना सेमीकॉलन टर्मिनेट ये एक मान लीजिए और इसके लिए लेते हैं 34 45 आ जाए ठीक है तो यहाँ पर ये चार वो दे दिया है हमने अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं कि इसी को सीधे प्रिंट करा रहे हैं ठीक है तो प्रिंट कराने के लिए अनिल सैलरी सैलरी यहाँ पर एक क्लोज ऋषभ ये दो तो है ही है दो और ये यहां पर ये जो नाम लिख रहे हैं ना यही इसकी यूनिक आईडी है ठीक है यही आईडी की कहलाती है और इन्हीं आईडी के थ्रू वो क्या कर रहा है वैल्यू को आपकी प्रिंट कर रहा है इसीलिए इसको एसोसिएटिव कहा जाता है कि एक दूसरे के पूरक है ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ठीक है हाँ
अब देखिए इसको यहां से शेप किया, ठीक है। अब चलते हैं आउटपुट की तरफ, सॉरी कुछ प्रॉब्लम है, लाइन नंबर 9 सैलरी, ओके। कौन सी स्क्रीन दिख रही है अभी सर? आउटपुट वाली स्क्रीन दिख रही है, आउटपुट वाली दिख रही है ना जी सर। आप 11 में भी प्रॉब्लम है, एक लाइन नंबर 11 कहाँ है, चलो ये वाली प्रॉब्लम, ओके। अभी कुछ दिख रहे जी सर? दिख रहा है आपको? हाँ ये सभी आउटपुट आपको दिख रहे होंगे जी सर, एक दूसरे से एसोसिएट है ये सभी जो आपकी स्क्रीन पर इस समय दिख रहे हैं, ठीक है जी सर। नेक्स्ट स्क्रीन दिख रही है जी सर? हाँ आप मल्टी डायमेंशनल आ रही, तो पीएचपी मल्टी डायमेंशनल अरे इज आल्सो नोन एज अरे ऑफ अरे। पीएचपी की जो मल्टी डायमेंशनल अरे है उसे अरे ऑफ अरे के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इट अलाउज यू टू स्टोर टेबुलर डेटा इन अरे, इसमें हम क्या करते हैं टेबल के फॉर्मेट में डेटा को स्टोर करते हैं। पीएचपी मल्टी डायमेंशनल अरे कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स विच इज रिप्रेजेंटेड बाय रो एंड कॉलम, मतलब जो इसकी मैट्रिक्स होती है जो रिप्रेजेंट डेटा होता है रो और कॉलम के रूप में, मतलब रो होती है और कॉलम होती है, उसे हम लोग मल्टी डायमेंशनल अरे के नाम से जानते हैं। सिंटैक्स है इसका ईएमपी अरे, फिर अरे देखिए एक अरे ये हो गई और दूसरी अरे होगी अरे ऑफ अरे, इट्स कॉल्ड ए मल्टी डायमेंशनल वन मानेंद्र 40,000, ठीक है। सेकेंड अरे टू दुष्यंत 50,000, ठीक है, नो सॉरी 4 लाख 5 लाख, ठीक है। और इसके बाद की नंबर 3 पे है रामदत्त 3 लाख रुपीज, ठीक है। और यहां पर इसको क्लोज कर दिया हम लोगों ने, तो इसमें क्या होता है अरे एक फंक्शन यहां पर काम कर रहा है और अरे के अंदर एक अरे दूसरा कॉल कर रहा है, कहा जा रहा है, इसे हम लोग मल्टी डायमेंशनल अरे के नाम से जानते हैं। अब इसमें जो बेसिकली डेटा होगा तो किस तरह से फॉर्मेट में आएगा, देखिए एक मानेंद्र और उसकी यहां पर सैलरी, ठीक है, दो दुष्यंत और उसकी सैलरी जो भी होगी, ठीक है, और इसके बाद नंबर 3 में रामदत्त और उसकी सैलरी। तो देखिए यहां पे 3 रो और 3 कॉलम का कॉम्बिनेशन आपका बन गया, ठीक है, 3 रो हो गए और 3 कॉलम हो गए। इस तरह के डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए टेबुलर फॉर्म का हम यूज करते हैं, इसके लिए हम लोगों को मल्टी डायमेंशनल अरे की आवश्यकता पड़ती है। पीएचपी में इसी मल्टी डायमेंशनल अरे को ही हम लोग अरे ऑफ अरे के नाम से जानते हैं, ठीक है। कोई डाउट? नो सर। ओके अब एक इसका एग्जांपल देख लें, है ना, तो आइए चलिए देखते हैं एग्जांपल। ये मल्टी डायमेंशनल हो जाएगा अब यहां पर, मल्टी डायमेंशनल अरे यहां पे सपोज दैट स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट ले लिया हम लोगों ने, इक्वल्स टू, सॉरी ओके, ठीक है, स्टूडेंट्स अभी दिख रही जी, दिख रही ना जी। हाँ अब हमने यहां पे क्या ले लिया, एक स्टूडेंट नाम का वेरिएबल लिया है, उसके अंदर अरे के अंदर हमने एक वो लिया वैल्यू लिया
सपोज दैट अनिल और इसको जो है हम की के रूप में रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है, और अब यहां एक अरे बना दिया, अरे फिर से अगेन अरे क्या कर दिया, इसका मान लीजिए रोल नंबर दे दिया 1001, ठीक है, कॉमा, और इसको कर दिया हमने, ये पास हो गया, ठीक, और ये सॉरी कॉमा। अब दूसरा हमने यहां पर एक नाम ले लिया, मान लीजिए ऋषभ, ठीक है, और इसको हमने प्रोवाइड कर दिया की के रूप में, और इसके अंदर भी एक अरे, जैसे उसके लिए अरे अपन बनाए हैं, तो अरे और इसका रोल नंबर मान लीजिए 1002, और देन इसके बाद कॉमा, और इसको दे दिया भी हमने मान लीजिए फर्स्ट डिवीजन या फर्स्ट, वो सिर्फ पास बसता है, ये फर्स्ट है, ठीक है, ये हो गया, और इसको यहां से क्लोज कर दिया, ठीक। अगेन एक और बंद हो गया, क्योंकि ये इसका हो गया और ये इनका हो गया, ठीक है। अब ये इतना हो गया, ये सेमीकोलन से टर्मिनेट हो गया। अब हम इसको क्या कर रहे हैं, प्रिंट करा रहे हैं, इनको दोनों को हटा दे रहे हैं, ये दो ही का ले रहे हैं अभी हम, इको रोल नंबर, रोल नंबर इज सॉरी रोल नंबर ऑफ मान लीजिए अनिल इज, ठीक है। अब इसके बाद स्टूडेंट, क्योंकि जो डेटा है हमारा स्टूडेंट और किसका हमें यहां पे चाहिए, आरुषि, क्या नाम हमने यहां पे दिया, अनिल, सॉरी अनिल, ठीक है, अनिल इंडेक्स, किस इंडेक्स में जाएगा ये, पहला इंडेक्स होगा इसका 0, अब इसको यहां से क्लोज कर दीजिए सेमी कॉलम से टर्मिनेट, फिर इसी तरह से इसको कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि वो कर लेंगे, ये अब दूसरा हो जाएगा रिजल्ट, इसका रिजल्ट क्या रहा, रिजल्ट ऑफ अनिल, रिजल्ट ऑफ अनिल इज स्टूडेंट्स अनिल और वन, क्योंकि दूसरी की इसकी दी जाएगी, ठीक। अब इसके बाद इन्हीं दोनों को फिर से काम कर देंगे, क्योंकि दो अगले रिसर्व के लिए, तो इको रोल नंबर ऑफ ऋषभ इज स्टूडेंट्स, यहां पर ऋषभ, क्योंकि इसका की क्या है, ऋषभ, ऋषभ, ठीक है, और इसके बाद रिजल्ट ऑफ ऋषभ,
ये आपका इसको यहाँ पर 0101 ये भी आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्योंकि समस्या ये आएगी अगर बी आर नहीं लगाएंगे तो सब सेम लाइन में आ जाएंगे। एक तो बी आर यहाँ लगा दें, एक बी आर यहाँ लगा दिया जाए नेक्स्ट लाइन के लिए है बी आर, ठीक है, और एक बी आर यहाँ लगा दिया जाए। ठीक, तो ये तीनों बी आर हो गए। अब इसको शिफ्ट करते हैं, अब चलते हैं हम लोग आउटपुट विंडो में। क्या दिख रहा है आप लोगों को? जी सर रिजल्ट दिख रहा है। रिजल्ट दिख रहा है ना? जी सर। ये रिजल्ट ये बता रहा है क्योंकि एक अरे के अंदर हम दूसरी अरे को यहाँ पर यूज कर रहे हैं, हैं? तो जब एक अरे को दूसरी अरे में यूज कर रहे हैं तो अरे या फरे जिसको कि हम लोग मल्टी डायमेंशनल की अरे के नाम से जानते हैं। ठीक है जी सर। तो ये था आज का कॉन्सेप्ट मल्टी डायमेंशनल। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताए। नो सर। नहीं सर, असाइनमेंट आज जमा कर लेंगे वो, इससे बात नहीं होगी। थैंक यू।